हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के दड़। हाँ तो गाइस, थलापति विजय सर की द गोट के लिए कितना हाइप देखने को मिल रहा है। अब इतना हाइप होगा तो डायरेक्टर वेंकट प्रभु, प्रोड्यूसर, मूवी की टीम भाई सब पोस्टर शेयर नहीं करेगी तो क्या करेगी। और वहीं बुकिंग के लिए भाई सब क्या क्राउड देखने को मिल रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि साउथ में आज ही जब वो इसका बुकिंग स्टार्ट किया ना, तो वहां पर भाई सब रश इतना ज्यादा, जिसके कारण भाई सब जो बुक माय शो पेटीएम भाई सब इधर उधर हो गया है। पोस्टर कैसा आया है, बुकिंग का क्या सीन है, सब बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं। हाँ तो भाई लोग, बुक माय शो पेटीएम फोन पे को क्रैश करना भाई सब कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रभास अन्ना सर इस सीन को, इस खेल को अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब थलापति विजय सर भी जान गए, क्योंकि आज ही आफ्टरनून में जब इसकी इवनिंग में मतलब 4-5 बजे तेलुगु लैंग्वेज की बुकिंग स्टार्ट की गई, भाई साहब क्रैश हो गया काफी लोगों, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है पेटीएम फोन पे वालों का तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया होगा, आप लोगों को पता ही होगा। तो भाई साहब बुक माय शो पेटीएम फोन पे क्रैश चल रहा है। अब हिंदी वर्ल्ड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन साउथ एरिया में जहां जहां भाई साहब इसकी बुकिंग स्टार्ट की गई है वहां पर क्रैश चल रहा है। तो बात कर लेते हैं न्यू पोस्टर के बारे में, तो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। पहले अपन ट्वीट रीड आउट करेंगे। द गोट हाइप इज ऑफ द चार्ट्स, रिकॉर्ड। तो एक्चुअल में रिकॉर्ड थलापति विजय सर बनाने वाले, और ये पोस्टर शेयर किया है जहां पर वन एंड ओनली थलापति विजय सर प्रॉपर उनके गेटअप में दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने बंदूक तान रखी है जिसमें से फायर होता हुआ नजर आ रहा है, और बैक साइड पे काफी सारी तबाही देखने को मिली है, और साइड में लिखा हुआ है 5th of September। और मैंने आप लोगों को काफी टाइम पहले बताया है, वो तो मतलब कब से बता रखा है कि द गोट है ना भाई साहब, इंडियन सिनेमा के लिए छोटा टास्क नहीं होने वाला है, काफी बड़ा टास्क होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो VFX होने वाला है, जो एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं, और भी काफी बड़े बड़े एडवेंचर दिखाई देने वाले हैं, चाहे वो बम ब्लास्टिंग से रिलेवेंट हो, चाहे वो फायरिंग से रिलेवेंट हो, मतलब कि हर चीज सर्वपूर्ण संपन्न दिखाई देने वाली है। तो भाई साहब अब बुकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यार बुकिंग का तो बहुत ज्यादा सीन चल रहा है, और अब कौन क्या कर सकता है। अब गाइस आप देखो ना, कितनी सारी टीजर सिटीज में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि ऑलरेडी मूवी की टीम द गोट की टीम ने मेरे साथ शेयर किया, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब नॉर्थ में भाई साहब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जहां जहां भी इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कि मैं आप लोगों को बताऊं ना तो फैंस एक्साइटेड है, लेकिन बुकिंग ओपन नहीं हुई है, थिएटर रेडी नहीं है, क्योंकि PVR आईनोक्स अभी भी इशू चल रहा है मल्टीप्लेक्स में, मे भी कुछ मल्टीप्लेक्स में भाई साहब इसे रिलीज किया जा रहा है, लेकिन PVR आईनोक्स में नॉर्थ में भाई साहब पावरफुल लेवल पे रिलीज कर रहे हैं भाई, जितना साउथ इंडस्ट्री के लोग। अब भाई काफी लोग बोलेंगे कि साउथ बॉलीवुड क्या, भाई साहब थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है, नॉर्थ में घुसना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, उसी के साथ साथ थोड़ा सा पैसा वैसा खर्च करना पड़ता है। बाकी ये तो लोग PVR आइनोक्स वाले हैं क्या, क्या चीज है यार, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला काम काज है। बाकी यार नॉर्थ में भाई साहब बुकिंग का तो भाई जो चल रहा है ऐसा ही चल रहा है, बाकी किसकी सिटी में कब से स्टार्ट होने वाली है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मूवी की टीम ही नहीं बता सकती है, तो फिर तो मैं छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। वैसे आप लोग बताओ, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, आपकी सिटी में भी इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई है, नहीं हुई है तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं फाइंड आउट करके आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर लीजिएगा। क्या लगता है न्यू पोस्टर के बारे में, द गोट के रिकॉर्ड के बारे में, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।